and welcome to 30 mein 30, the daily dose of V-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Ek aisa show jahan khabrein hongi fatafat, yani ek ke baad ek 30 khabrein. To intezar kis baat ka? Let's take a look. 30 mein 30. पद्मावत को लेकर महीनों से चल रही कंट्रोवर्सीज के चलते सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फिल्म की टीम के लिए एक रे ऑफ होप जैसा हुआ है प्रूव। रिलीज के बस कुछ दिन पहले दीपिका को कल स्पॉट किया गया सिद्धि विनायक में सीकिंग गणपति बापाज ब्लेसिंग्स। दीपिका के लिए यहां डिप्लॉय की गई थी हैवी सिक्योरिटी। 30 में 30। रिसेंटली अक्षय कुमार ने अपनी फैमिली के लिए रखी फिल्म पैडमैन की स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां ट्विंकल के साथ आरव नजर आए। साथ ही यहां आर बाल्की को भी अपनी फैमिली के साथ किया गया स्पॉट। 30 में 30। पद्मावत को लेकर चल रहे कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट के बीच मेकर्स को मिला एक पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट। हाल ही में एमएनएस की सेक्रेटरी शालिनी ठाकरे ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि उनकी पार्टी इंश्योर करेगी कि पद्मावत को सिटी में एक सेफ और स्मूथ रिलीज मिले। 30 में 30। अक्षय कुमार को लेकर गुलशन कुमार की बायोपिक मुगल कई महीनों पहले हो चुकी थी अनाउंस, जहां अब अक्षय कुमार के इस फिल्म में होने को लेकर उठाए जा रहे हैं सवाल। वहीं इस प्रोजेक्ट का चार्ज ले लिया है एक और सुपरस्टार ने। सोर्सेज की माने तो अब आमिर खान इस प्रोजेक्ट से जुड़ चुके हैं और करेंगे इस फिल्म को प्रोड्यूस। 30 में 30। आमिर खान अपनी लास्ट ईयर की रिलीज सीक्रेट सुपरस्टार के प्रमोशंस के लिए पहुंचे शंघाई। आमिर को देखने यहां हजारों की भीड़ उमड़ी थी और आमिर ने सभी फैंस को किया ग्रीट। 30 में 30। लेटर ऑन द शो, शाहिद कपूर ने फिल्म पद्मावत से लगा रखी है काफी उम्मीदें। 30 में 30। सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद भी पद्मावत की रिलीज को कई मेजर सिटीज में किया जा रहा है बॉयकॉट। सूरत और अहमदाबाद जैसे सिटीज के थिएटर्स ने फिल्म को ना रिलीज करने का कलेक्टिव डिसीजन ले लिया है और इसकी वजह से फिल्म का बिजनेस होने वाला है एडवर्सली अफेक्ट। 30 में 30। गुंडे स्टार्स अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह एक बार फिर आ सकते हैं ऑन स्क्रीन नजर। इफ सोर्सेज आर टू बी बिलीव्ड, नो एंट्री सीक्वल के मेकर्स इन दोनों स्टार्स को सीक्वल में कास्ट करना कर रहे हैं कंसिडर। इफ ऑल गोज वेल तो फिल्म में अर्जुन पार्ट वन से अंकल अनिल का कैरेक्टर और रणवीर सिंह सलमान का कैरेक्टर ऐसे करते हुए सीक्वल में नजर आएंगे। 30 में 30। शाहरुख खान की लास्ट रिलीजेस बॉक्स ऑफिस की क्लैश की वजह से कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी। ऐसे में शाहरुख अपनी मच टॉक्ड अबाउट फिल्म जीरो के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहते। खबर है कि एसआरके ने खुद बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स और स्टार्स से बात करने का फैसला किया है ताकि उनकी फिल्म किसी और की फिल्म से क्लैश ना हो। 30 में 30। सिद्धार्थ मल्होत्रा आयारी के हेक्टिक प्रमोशंस के बाद एक पार्टी थ्रो करना चाहते थे जिसमें आलिया भट्ट थी उनकी स्पेशल गेस्ट, लेकिन कहा जा रहा है कि आलिया ने सिद्धार्थ की पार्टी में आने से कर दिया है इनकार। 30 में 30। श्रद्धा कपूर अपनी बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म से इतनी ज्यादा डर गई हैं कि वो आजकल अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट को एक बार नहीं बल्कि 10 बार पढ़ रही हैं। दरअसल श्रद्धा को लग रहा है कि अगर उनकी कुछ और फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती हैं तो उनके करियर को लेकर सवाल उठने लगेंगे। 30 में 30। रिसेंटली मुंबई में हुई दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर की फिल्म पद्मावत की स्पेशल स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के दौरान रणवीर और दीपिका मैचिंग ट्रेडिशनल आउटफिट्स में नजर आए। यहां ये दोनों ही स्टार्स काफी खुश नजर आ रहे थे और स्क्रीनिंग के बाद जब दोनों हाथ पकड़कर बाहर निकले तो शटर बग्स ने इन्हें कर लिया अपने कैमराज में कैप्चर। 30 में 30।
फिल्म पद्मावत की स्क्रीनिंग पर शाहिद कपूर अपनी पूरी फैमिली के साथ पहुंचे, जहां शाहिद मीरा एक कार में पहुंचे, वहीं पंकज कपूर सुप्रिया पाठक के साथ दूसरी कार में और शाहिद के भाई ईशान मॉम नीलिमा अजीम के साथ पहुंचे। इस स्क्रीनिंग पर संजय लीला भंसाली और प्रोड्यूसर्स भी पहुंचे। 30 में 30। शाहिद कपूर संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत में महाराजा रवल रतन सिंह के रोल में नजर आएंगे और रिपोर्टेडली जहां पिछले दिनों शाहिद इस बात से नाराज थे कि फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद सभी ने दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को उनसे ज्यादा अप्रिशिएट किया, वहीं लगता है कि उनकी ये नाराजगी अभी भी दूर नहीं हुई है। रिसेंटली शाहिद ने फिल्म इंडस्ट्री में यूनिटी न होने की बात कहकर दी एक शॉकिंग स्टेटमेंट। शाहिद ने कहा, We are one unified industry, but you know what? We're all lost and we're all over the place. Nobody comes together when it matters. And this has been happening for a long time. And many people who are concerned about it within the fraternity discuss it very often. But the fact is that everybody's so busy doing their own thing that nobody really steps up for somebody else when they need it. And when it gets to you, you realize how that feels. We did have a lot of support for Padmavati verbally. You know, it's you always get it. But when it comes to action, we don't really come together the way that we should. So I really feel that's something that, and we have so many extremely responsible, extremely experienced personalities in our fraternity, and they are all concerned about it. But somehow we need to all come together. 30 mein 30. लंबे समय से डिले हो रही जॉन अब्राहम की फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण को मिल गई है नई रिलीज डेट। ये फिल्म अब अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन की फिल्म परी के साथ एक्सटेंडेड होली वीकेंड पर 2 मार्च को रिलीज होगी। परमाणु से जॉन करीब 2 साल बाद बिग स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। जॉन की लास्ट रिलीज एक्शन स्पाई थ्रिलर फोर्स 2 थी। 30 में 30। जहां संजय लीला भंसाली अपनी पीरियड फिल्म पद्मावत को लेकर हो रही कंट्रोवर्सीज की वजह से पिछले काफी समय से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वहीं बैटल ऑफ सारागढ़ी पर बेस्ड फिल्म केसरी के प्रोड्यूसर करण जौहर नहीं चाहते कि अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा स्टार इस फिल्म से भी जुड़े कोई कॉन्ट्रोवर्सी। रिसेंटली परिणीति ने जूम को एक्सक्लूसिवली बताया कि करण किस तरह से इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि केसरी किसी भी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे। 30 में 30। फिल्म पद्मावत की रिसेंटली रखी गई स्क्रीनिंग जहां दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एक कार में बैठकर इस फिल्म को देखने पहुंचे। यहां दीपिका और रणवीर एक दूसरे में खोए नजर आए और साथ ही काफी खुश नजर आए। 30 में 30। जून 2013 के जिया खान डेथ केस में एक्टर सूरज पंचोली को स्पेशल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोर्ट से राहत मिल गई है। एक सेशंस कोर्ट ने सूरज के खिलाफ इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने से कर दिया है इनकार। रिपोर्टेडली कोर्ट ने जिया खान की मदर राबिया खान के उन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया है जिनमें राबिया ने सूरज के खिलाफ और इंक्वायरी करने की गुजारिश की थी। 30 में 30। रानी मुखर्जी बहुत जल्द अपनी फिल्म हिचकी प्रमोट करने के लिए पहुंचने वाली हैं करण जौहर के रियलिटी शो पर। रानी शो पर करण के साथ अपने कैंपेन आपकी हिचकी क्या है को आगे बढ़ाएंगी। 30 में 30। आलिया पिछले कुछ दिनों से अपनी फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करने पहुंची थी जोधपुर और सारी मेमोरीज का पार्ट बनने के बाद आलिया कल वापस लौटी मुंबई। आलिया को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया अकम्पनीड बाय हर फ्रेंड। आलिया अब लौटते ही जल्द ही रणवीर सिंह के साथ गली बॉय की शूट करेंगी रिज्यूम। 30 में 30। आफ्टर द क्लासिक 2001 फिल्म रहना है तेरे दिल में सैफ अली खान और माधवन एक बार फिर आ सकते हैं एक फिल्म में साथ नजर। सोर्सेस की माने तो सैफ और माधवन ने आनंद एल राय की प्रोड्यूस्ड पीरियड ड्रामा को कर दिया है साइन। इस फिल्म के लिए इन दोनों को ही होना पड़ेगा स्वॉर्ड फाइटिंग और हॉर्स राइडिंग में ट्रेन। 30 में 30। WWE
Diana Penty को recently spot किया गया walking hand in hand with rumored boyfriend Harsh Sagar. इन दोनों के बीच कुछ दिनों पहले breakup की खबरें आई थी, लेकिन साथ में इस तरह नजर आने के बाद इस couple ने prove कर दिया that they are still going strong. 30 में 30. शाहिद कपूर ने फिल्म पद्मावत से लगा रखी है काफी उम्मीदें। शाहिद बॉक्स ऑफिस अर्निंग्स के साथ साथ होप कर रहे हैं कि उनके कैरेक्टर राजा रतन सिंह को क्रिटिक्स और फैंस से स्पेशल अप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि शाहिद ने अपनी इस फिल्म पर की है काफी मेहनत। 30 में 30 तैमूर अली खान का एक और पिक्चर इंटरनेट पर वायरल हो गया है, जिसमें वो अपने डैड सैफ के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। लिटिल नवाब तैमूर आजकल इंटरनेट सेंसेशन बने हुए हैं। 30 में 30 मलाइका अरोरा को हमने स्पॉट किया उनके जिम के बाहर। यहाँ मलाइका अपने फुल ऑन व्हाइट जिम अटाया में दिखी काफी स्टनिंग। वैसे यहाँ अचानक फोटोग्राफर्स को देखकर मलाइका चौंक गई थी। 30 में 30 मनोज बाजपेयी और सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी फिल्म अय्यारी को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, और इन दोनों स्टार्स को स्पॉट किया गया इनके स्टाइलिश अवतार में एक प्रमोशनल इवेंट पर, जहां इन दोनों ने ही फोटोग्राफर्स के लिए किया पोज। 30 में 30 फिल्म पद्मावत को लेकर चल रहा प्रोटेस्ट काफी वायलेंट हो चुका है। जगह जगह पर इस फिल्म को प्रोटेस्ट कर रहे लोग कर रहे हैं तोड़फोड़। 30 में 30 सनी लियोनी को हमने स्पॉट किया उनके एक एड शूट के सेट पर। यहाँ सनी नजर आई अपने कैजुअल अवतार में। सनी आजकल फिल्म्स की स्क्रिप्ट सुन रही हैं, लेकिन उन्होंने किसी फिल्म को साइन नहीं किया है, क्योंकि वो अब मीनिंगफुल फिल्म्स करना चाहती हैं। 30 में 30 एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने कन्फेस किया है कि वो फॉर्मर इंडियन टीम कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की बहुत बड़ी फैन हैं, और जब भी वो धोनी से मिलती हैं तो एक फैन गर्ल की तरह ही रिएक्ट करती हैं। 30 में 30 सोनम कपूर का कहना है कि उन्हें डायरेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बॉलीवुड से अक्सर उन्हें डायरेक्शन के ऑफर्स आते रहते हैं। सोनम ने पहले भी कहा है कि डायरेक्शन एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए वो फिलहाल तैयार नहीं है। 30 में 30 हेमा मालिनी को काफी समय बाद स्पॉट किया गया एक डांस रियलिटी शो के सेट पर। हेमा जी अपनी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से आजकल बहुत कम ही इवेंट्स पर नजर आती हैं।